So hello to all Indian military aspirant and welcome to the Government Crackers, the best platform to prepare for the defense exam and interview. So आज की अपनी इस सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं FCAT 1 2022 की प्रिपरेशन के लिए एक क्रैश सीरीज, जिसमें हम कुछ कपल ऑफ वीडियोस में पूरे के पूरे FCAT का सिलेबस कवर करेंगे इन वेरी शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम और प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, और ये सब कुछ मिलेगा इन अ सेक्शन ऑफ वन वीडियोस। इस पूरे के पूरे सिलेबस को जब हम कवर करेंगे तो हमारा एम होगा कि हम ना कि सिर्फ FCAT एग्जामिनेशन को क्लियर करें बट एक डिसेंट स्कोर भी करें कम से कम टाइम में, और हमारा एम होगा अराउंड 190 मार्क्स स्कोर करना। सो चलिए आज अपनी इस वीडियो के पार्ट वन सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट सोलर सिस्टम को, और इस सोलर सिस्टम से रिलेटेड प्रीवियस भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को भी यहां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप सभी को और क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके बारे में भी इस पूरे वीडियो में आपको नॉलेज मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन FCAT एग्जामिनेशन में आता है तो आपसे गलत नहीं होगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, और इस वीडियो के एंड तक आप पूरे सोलर सिस्टम के मास्टर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके FCAT एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। बट बिफोर मूविंग इन टू द वीडियो, मैं आप सभी को ये याद दिलाना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए, क्योंकि इस तरीके की क्रैश सीरीज के आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप, जो कि एप्पल के प्ले स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें आपको आपके प्रिपरेशन मटेरियल भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रिपरेशन के वीडियो को, और इस क्रैश कोर्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन के ऊपर है, ये FCAT का प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है, जो कि है विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज द हाइएस्ट डेंसिटी, और आपके पास ऑप्शन है ए अर्थ, यूरेनस, बी सी इज नेपच्यून एंड डी इज जुपिटर। सो इसका आंसर्स आप लोग दीजिए कमेंट्स में, और देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर सही दे सकता है, और इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सोलर सिस्टम के बेसिस पे आपके FCAT एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने पूरे सोलर सिस्टम को, और नोट डाउन करिए, अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को कई बार देख करके भी नोट कर सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स में मार्क डाउन कर सकते हैं जो जो क्वेश्चंस मैं अब आपको बताने वाला हूं जिनकी प्रोबेबिलिटी मोस्ट है कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने पूरे सोलर सिस्टम को। सो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और आप लोग नोट डाउन करना, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ मार्क डाउन करूँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और ये सारे के सारे की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी कि आपके FCAT एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। सो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, 8 मेन प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स एंड अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स। ओके, सो बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम में ये कुछ चीज़ें हैं जिनको कंप्राइज करके हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, जिसमें सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, देयर सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मीटियोर्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स। अब ये क्या क्या होते हैं इनको हम इन डेप्थ डिटेल में अभी समझते हैं। सो सबसे पहले सन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। द सन इज द वन ऑफ द टू सेंटर्स ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड इट इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, सो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पर आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम के दो सेंटर्स होते हैं, क्योंकि जो भी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि इलिप्स के हमेशा दो सेंटर्स होते हैं। ओके, सो वन सेंटर पे सन का कोर है, सो इफ़ दिस इज द पॉइंट ऑफ द सेंटर, तो यहाँ पर सन है, और एक दूसरा पॉइंट भी सेंटर होता है बट वहाँ पर सन नहीं है। ओके, सो दैट इज़ वाई यहाँ पर इलेप्टिकल ऑर्बिट में दो सेंटर्स हैं, जिसमें से एक सेंटर पे सन रहता है और दूसरे सेंटर पे कुछ भी नहीं रहता है। ओके, सो दैट्स वाई इट इज सेट कि सन इज एट द
there are two centers on which one is the sun is available. Okay, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसमें द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इज मर्करी होता है ओके और फादर्स्ट प्लैनेट जो होता है वो नेपच्यून होता है. प्लूटो को हम ड्रॉफ प्लैनेट बोलते हैं जिसको रेलीगेट कर दिया गया है उसके स्टेटस से जो कि 9th प्लैनेट पहले कंसीडर किया जाता था ओके बट अब इसे रेलीगेट कर दिया गया है और ये अब 9th प्लैनेट नहीं है. तो टोटल हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हो गए, फिर 8 प्लैनेट्स हो गए और इनकी क्रोनोलॉजी जो कि सन के पास से दूरी की तरफ हम बढ़ते हैं. सो द फर्स्ट प्लैनेट यहाँ पर जो मैं बताऊंगा वो सन से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा और जो लास्ट प्लैनेट होगा वो सन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा. सो इनकी क्रोनोलॉजी है, फर्स्ट इज मर्करी, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, सो ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी है. इसको किस तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हैं इसका एक मेमोनिक्स भी यहाँ पर आपको दिया गया है जिसमें बोला गया है माय वेरी एनर्जेटिक मदर इज जस्ट शोड अस नाइट स्काई. ओके, सो इस कंप्लीट निमोनिक्स के थ्रू आप याद कर सकते हैं इन पूरे के पूरे प्लैनेट्स की क्रोनोलॉजी. फॉर एग्जांपल, माय से आपका फर्स्ट लेटर जो होगा वो हर प्लैनेट को डिनोट करेगा. सो एम फॉर मर्करी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स एंड जे फॉर जुपिटर, यहाँ यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून. सो टोटल 8 प्लैनेट्स यहां पर शोकेस किए गए हैं. आई होप ये आपको हेल्पफुल करेगा प्लैनेट्स की क्रोनोलॉजी रिमेंबर करने में. फर्दर मूव करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं. सो ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को यहां पर डिस्क्राइब किया गया है जहां पर ये सन आपको क्लियरली दिख रहा है. देन इसके बाद आपको यहां पर मर्करी दिखेगा, वीनस दिखेगा, अर्थ दिखेगा, मार्स दिखेगा, जुपिटर दिखेंगे, सैटर्न दिखेगा, यूरेनस, नेपच्यून और लास्ट में ड्रॉफ प्लैनेट जिसको हम प्लूटो बोलते हैं वो भी आपको यहां पर शोकेस होगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. सो सन इज द ओनली प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. तो अर्थ पे जो भी लाइफ रेगुलेट होती है वो सन जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उसी के थ्रू होती है. ओके, और अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट स्टार, ये एक ब्लफिंग क्वेश्चन हो सकता है, अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? सो उसमें आंसर हमेशा आएगा आपका सन. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर गैलेक्सी का जो एक स्टार होता है या हमारे पास जो सबसे स्टार है उसको मेंशन कर देते हैं, बट हमारा सन भी एक स्टार है. और अगर अर्थ से सबसे पास में स्टार पूछा जाए तो आपको हमेशा सन पे टिक करना है. और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे सोलर सिस्टम के पास सबसे पहला स्टार कौन सा है, तब आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना है. ओके, और यहाँ पर अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ अर्थ. ओके, सो ये जो क्लोजेस्ट स्टार है ये हमारे से 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ की डिस्टेंस है सन से. ओके, सो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ओके, सो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो अर्थ से सन की डिस्टेंस को वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोली जाती है स्पेस के रीजन में. ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, सो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन, जिसको हम 150 मिलियन किलोमीटर्स भी कहते हैं. ओके, सो टेम्परेचर ऑफ सन जो विजिबल सरफेस होती है जो हमें दिखती है वो होती है 6000 डिग्री सेल्सियस तक, और इसको बोला जाता है फोटोस्फियर. ओके, सो फोटोस्फियर ही सन का होता है जो हमें विजिबल होता है. ओके, बट सन की और भी कई सारी लेयर होती है जिसमें से एक इंपॉर्टेंट लेयर होती है कोरोना, और इस कोरोना को हम आउटर लेयर ऑफ सन भी कहते हैं, जिसका एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है. और सन का जो इनर कोर है वो वहां का टेम्परेचर जो जज किया गया है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का होता है. आप कभी कभी कंपोजिशन रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो इसमें आपको बस दो चीज़ याद रखनी है कि अराउंड 73% हाइड्रोजन है सन में और 25% हीलियम है. अदर कंपोनेंट्स भी मिलते हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन और आयरन और कुछ अदर एलिमेंट्स, बट वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, हमारा सन जो है वो एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है जो कि अराउंड 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड है, और इसकी एक्सपेक्टेंसी है कि ये अनदर 5 बिलियन ईयर तक इसी तरीके से शाइन करता रहेगा. देन इट विल कन्वर्ट इनटू द रेड जायंट और फाइनली ये एक वाइट ड्रॉफ में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो इस तरीके से पूरी की पूरी लाइफ साइकिल हमने सन की यहाँ पर डिस्कस की. सन से इससे ज़्यादा रिलेटेड
और कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ओके, सो जो मैंने यहाँ पे बता दिया बस इतना ही याद रख लें, तो सन कवर हो गया। अब बात करते हैं, हम यहाँ पर आपको फोटो में भी दिखा रहे हैं कि इस तरीके से पूरे के पूरे सन के अलग अलग लेयर्स हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फोटोस्फीयर है जो मैंने आपको बताया विजिबल होता है, और एक कोरोना होता है जो कि आउटर सर्फेस है। ओके, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ओके, देन इसके बाद हम प्लैनेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं। उसमें ये है कि देर आर टोटल 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो याद रखिएगा 8 प्लैनेट है। कई सारे स्टूडेंट्स जो पुरानी बुक्स रिफर करते हैं उसमें 9 प्लैनेट्स भी शोकेस करता है, क्योंकि प्लूटो को एज एन ड्रॉफ प्लैनेट कंसीडर कर दिया गया है। सो करेंटली इन अ सोलर सिस्टम देर आर 8 प्लैनेट्स। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसे देखिए, वन बाय वन हम देखते हैं। द प्लैनेट आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि नेम द इनर प्लैनेट एंड द आउटर प्लैनेट। तो यहाँ पर टोटल हमारे 8 प्लैनेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनर प्लैनेट्स एंड द आउटर प्लैनेट्स। तो ये क्या होते हैं इनको डिस्कस करते हैं। इनर प्लैनेट्स जो है वो होता है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ओके, सो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ये इनर प्लैनेट्स है ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी इसमें आपको क्रस्ट मिलेगी और ये सॉलिड फॉर्म में है। ओके, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और रॉकी प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ओके, और इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा है और इनका रेवोल्यूशन पीरियड अराउंड द सन जो है वो भी काफ़ी शॉर्ट होता है। बट आउटर प्लैनेट्स जो हैं वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये सारे गैस जाइंट्स हैं और ये गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है, इनमें कोई भी सॉलिड सर्फेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, ये बिग इन साइज भी हैं और लॉन्गर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी इनका होता है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर है सन से, जिसमें जुपिटर जो है बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आर सोलर सिस्टम है और ये एंड मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट है। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वन बाय वन सारे प्लैनेट्स के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मरकरी को। सो मरकरी जो है वो क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन है। ओके, देन इट ऑर्बिट्स द सन द क्विकेस्ट। ओके, सो ये सन के अराउंड जो ऑर्बिट करता है क्विकेस्ट करता है। ओके, नो सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है। इसका रोटेशन पीरियड इज लॉन्गर देन द ऑर्बिटल रेवोल्यूशन। ओके, सो इसमें जो इसका रोटेशन पीरियड होता है वो लॉन्गर है देन द ऑर्बिटल रेवोल्यूशन। ओके, सो यानी ये अपने एक्सेस पर जो रोटेट करता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू रेवोल्यूशन, यानी ये सन का चक्कर बहुत जल्दी लगा लेता है। ओके, इसमें किसी तरीके का कोई मून, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, और इसको स्टडी करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस क्राफ्ट जो हमारी तरफ से सेंड किए गए हैं उनमें से दो आपको याद रखने की ज़रूरत है, एक मैरिनर 10 और एक मैसेंजर। ओके, सो ये दो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देन कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ ओनली बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट। ओके, सो ये पूरा का पूरा मरकरी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब वीनस से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है। सो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ का ट्विन होता है। ओके, सो उसमें आपका आंसर होगा वीनस। ओके, देन इसमें यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट। ओके, सो ये अपनी एक्सेस पे जो रोटेट करता है उसे सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम में स्लो ये रोटेट करता है, यानी अर्थ अपनी एक्सेस पे 24 आवर्स में रोटेट करता है, बट इसका जो रोटेशन पीरियड है वो सबसे ज़्यादा है सोलर सिस्टम में। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको वीनस पे टिक लगाना है। रोटेशन पीरियड इज लॉन्गर देन द ऑर्बिटल रेवोल्यूशन पीरियड। ओके, सो यानी ये सन के अराउंड जल्दी चक्कर लगा लेता है एज कम्पेयर टू ये अपनी एक्सेस पे रोटेट करने के। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो कई बार स्टूडेंट्स मरकरी से कंफ्यूज कर जाते हैं, बट मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है। ओके, डेंस एटमॉस्फियर है यहाँ पर और गैस एंड केमिकल इंक्लूडिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन क्लॉक वाइज मैनर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी सारे जो प्लैनेट है वो एंटी क्लॉक वाइज रिवॉल्व करते हैं, बट ये एक ऐसा प्लैनेट है जो क्लॉक वाइज रिवॉल्व करता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि नेम द प्लैनेट विच रिवॉल्व क्लॉक वाइज मैनर इन अ सोलर सिस्टम, तो आप वीनस पे टिक लगाएंगे। देन सेकेंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई इन द
अर्थ, ओके। सो अर्थ में आपको नाइट में मून के बाद जो सबसे ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट दिखेगा वो भी वीनस ही होता है। कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ ओनली बिफोर सनराइज, आप इसे देख सकते हो और तब इसे बोला जाता है मॉर्निंग स्टार, और सनसेट के बाद अगर आप इसे देख रहे हो तो हम बोलते हैं इसे इवनिंग स्टार, ओके। इसमें भी किसी तरीके का कोई नेचुरल सेटेलाइट मून नहीं है। फर्स्ट प्लैनेट विजिटेड बाय द स्पेस क्राफ्ट, ओके। तो किसी भी स्पेस क्राफ्ट में सबसे पहला जो हमने अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा है वो भी वीनस पे ही भेजा है, और इसमें आपको याद रखने वाले स्पेस क्राफ्ट है मैरिनर 2 और वेनेरा 7, ओके। सो ये दो स्पेस क्राफ्ट स्टडी करने के लिए हमने वीनस पे भेजे। अब हम अर्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ओनली प्लैनेट जहां पर लाइफ सपोर्ट करती है ये हम सभी जानते हैं। ये ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर आपको तीनों फॉर्म में वाटर अवेलेबल मिलेगा, लाइक लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ओके। गैसेस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फियर जो कि है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, याद होना चाहिए आप लोगों को। अर्थ का एक रोटेशन जो टाइम टेक होता है वो होता है 23 hours 56 minutes और 46 seconds, ओके। सो ये एग्जैक्ट है, बट इन रिमूविंग एनी काइंड ऑफ एन कन्फ्यूजन जिसको हम 24 आवर्स भी बोल देते हैं। इट टेक्स अराउंड 365.26 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, जिसको हम 1 year भी बोलते हैं। अर्थ में ओजोन लेयर भी अवेलेबल होती है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अर्थ से रिलेटेड है। अब हम बात करने जा रहे हैं मास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। मास से रिलेटेड डिस्कस करें, फर्स्ट पॉइंट है नोन एज द रेड प्लैनेट। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि द प्लैनेट विच इज नोन एज रेड प्लैनेट, तो आपको मास पे टिक लगाना है, ओके। लेकिन ये रेड प्लैनेट क्यों है? आयरन रिच रेड सॉइल है, ओके। सो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है व्हाई द मास प्लैनेट इज वाई द सॉइल ऑन द मार्स प्लैनेट इज रेड इन कलर। तो वहां पर आपको लिखना है कि ऐसे कौन से मिनरल की वजह से होता है, तो आयरन पे आपको टिक लगाना है। सो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पाइट इट्स रेड कलर इट इज कोल्ड बिकॉज इट हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ द एटमोसफियर, ओके। सो यहां पर कई बार स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये रेड प्लैनेट है तो दैट्स वाई इट इज वेरी हॉट, बट ये हॉट नहीं है, ये कोल्ड प्लैनेट है। और ये रेड है क्योंकि इसमें आयरन रिच सॉइल है जिसको हम रेड सॉइल बोलते हैं, बट इसमें ये कोल्ड इसलिए है क्योंकि इसमें एटमॉस्फियर नहीं है, ओके। बहुत ही कम एटमॉस्फियर है। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोबोस एंड डीमोस आर द टू नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स, ओके। सो ये दो मून्स हैं फोबोस और डीमोस, ये आपको याद रखना है, ओके। Has polar ice caps and trace of subterrestrial liquid water has been found. Okay, so यहाँ पर आपको water की presence भी मिलती है. Then इसके बाद has the largest known volcano. Okay, in the solar system जिसको हम Mons Olympus भी बोलते हैं. So कई बार ऐसे question आ जाता है कि the highest mountain of our solar system, तो वहाँ पर Mount Everest नहीं होगा, ओलंपस आपको टेक करना है, और इसकी हाइट एवरेस्ट से अराउंड 5 times ज्यादा है, ओके। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कुछ स्पेसक्राफ्ट रिलेटेड जो कि रिसर्च के लिए मार्स पर गए हैं। सो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, लाइक मैरिनर 4 2001 मार्स ओडेसी एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन जो कि इंडिया का है, ओके। रोवर्स भी भेजे गए हैं, ये एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे रोवर भी भेजा गया है। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी एंड क्यूरियोसिटी, ये आपको याद रखना है। अब जुपिटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आर सोलर सिस्टम है, सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देन हैज 2.5 times ऑफ द मास ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स पुट टुगेदर। तो अगर हम अपने सारे 8 planets को एक बार कंबाइन करें और उनका मास देखें तो उसमें अराउंड 2.5 मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर का है। सो दैट्स व्हाई जुपिटर काफी ज्यादा भारी है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता हैज द शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड, यानी ये अपने एक्सेस पर जो रोटेट करता है बहुत ही जल्दी कर लेता है, ओके। और सारे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में ये फास्टेस्ट रोटेट करता है। देन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस जायंट प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, इसमें हाइड्रोजन आपको मिलेगी, हीलियम मिलेगी एंड नो डिस्क्रिमिनेबल सॉलिड सरफेस. ओके, सो ये एक गैस जायंट है, फर्स्ट गैस जायंट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसमें किसी तरीके की कोई सॉलिड सरफेस आपको देखने को नहीं मिलेगी. ओके, हैज अ जायंट स्टॉर्म, एक बहुत ही फेमस जायंट स्टॉर्म इस पर डिस्कवर किया गया था 1831 को, जिसको बोला जाता है ग्रेट रेड स्पॉट. तो अगर कई बार ये पूछ लिया जाए कि द ग्रेट रेड स्पॉट कहां पर है, तो आपको जुपिटर पे टिक करना है. ये एक स्टॉर्म है जिसको 1831 में डिस्कवर किया था, और ये आज तक ये स्टॉर्म वहां पर लगातार चल रहा है, और इसका साइज जो है वो अर्थ के डायमीटर से भी 3 times ज्यादा है, जो कि आपको पता होना चाहिए. ओके, देन हैज अ फेंट रिंग अराउंड इट. सो ये एक पहला प्लैनेट है जिसके अराउंड आपको रिंग्स भी देखने को मिलेगी, और इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 67 मून्स है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मून है वो आपको दो मून याद रखने हैं, एक गैनमेडी और एक यूरोपा. ओके, यूरोपा क्योंकि यहाँ पर आपको वाटर आइस भी मिलती है, और गैनमेडी इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है. ओके, लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सो ये याद रखना. और ये जो मून है गैनमेडी, ये मर्करी से भी बड़ा है, यानी एक प्लैनेट से भी बड़ा है, सो ये याद रखिए. देन अब सैटर्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूं. सो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट बोला जाता है हमारे सोलर सिस्टम का सैटर्न. ओके, इसकी डेंसिटी लेस देन वाटर है. मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो गैस जायंट्स हैं, सो उसमें किसी तरीके की सॉलिड सर्फेस आपको देखने को नहीं मिलेगी. हैज अ बैंड ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग रिवॉल्विंग अराउंड इट मेड अप ऑफ टाइनी रॉक्स एंड पीस ऑफ आइस. सो इसके अराउंड भी आपको रिंग्स देखने को मिलेगी. इसमें आपको 62 नेचुरल सैटेलाइट यानी मून्स देखने को मिलेंगे, और मून्स में सबसे इंपॉर्टेंट मून जिसको आपको याद रखना है सैटर्न के लिए वो है टाइटन, और ये टाइटन मून जो है वो सैटर्न का लार्जेस्ट मून है, और सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो कंडीशन है वो भी टाइटन पे मिली है, और दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये आपको याद रखना है. मिशन फॉर सैटर्न के लिए हम याद करेंगे कसिनी हाइगेंस. ओके, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है सैटर्न को एक्सप्लोर करने के लिए, तो कसिनी हाइगेंस आपको याद रखना है. ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई सैटर्न से रिलेटेड. अब यूरेनस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसको देखते हैं हम. ये ब्लू ग्रीन कैनी इन कलर है, सो ये आपको याद रखना है. थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है. ओके, इसका कंपोजिशन हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, अमोनिया और मीथेन से है. ओके, इट इज टाइटल साइडवे सो दैट इट इज इट्स पोल लाइज वेयर द मोस्ट ऑफ द प्लैनेट हैव देयर इक्वेटर्स. ओके, सो जहां पर बाकी सारे प्लैनेट्स का इक्वेटर है वहां पर इसके पोल्स होते हैं, और जहां पर इसका पोल होता है बाकी सारे प्लैनेट का वहां पर इसका इक्वेटर है, यानी इसका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बहुत ही ज्यादा है. So, ये आपको याद रखना है. हैज फेंट रिंग, इसमें भी आपको रिंग देखने को मिलेगी, और इसमें अराउंड 27 डिफरेंट मून्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको याद रखना है एक मिरांडा और एक टाइटेनिया. ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट मून है जो आपको याद रखना है. स्पेस क्राफ्ट हम देखें तो इसके लिए कोई स्पेशल स्पेस क्राफ्ट तो नहीं है, बट वॉयजर 2 एक मिशन है जिसमें फ्लाई पास किया गया था वॉयजर 2, और इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो वॉयजर 2 के थ्रू मिली है. सो वॉयजर 2 एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि सेंड किया गया था स्टडी के लिए, और ये इस प्लैनेट को फ्लाई पास किया है. अब बात करते हैं लास्ट प्लैनेट की जो कि है नेपच्यून, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं. सो फर्स्ट प्रपोज बाय एलेक्स बोवर्ड. ओके, सो इन्होंने डिस्कवर किया था, और ये है फादर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन जो कि अभी तक नोन है. प्राइमरली कंपोज ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, वाटर, अमोनिया और मीथेन होता है, और ये ब्लू इन कलर है किस वजह से, मीथेन की वजह से. तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यू टू विच कंपोनेंट द कलर ऑफ नेपच्यून इज ब्लू, तो वहां पर आपको मीथेन पे टिक करना है. इसमें भी जुपिटर की तरह एक स्टॉर्म आपको देखने को मिलेगा, और वो फेमस नोन स्टॉर्म है ग्रेट डार्क स्पॉट. ओके, और हैज 14 नोन मून्स, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राइटन, और ये लार्जेस्ट है,
और इसमें भी स्पेसक्राफ्ट अगर हम देखेंगे तो वॉयजर 2 होगा। अब प्लूटो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये पहले 9th प्लैनेट हुआ करता था, बट इसको बाद में रेलीगेट कर दिया गया और ये ड्रॉफ प्लैनेट बन गया। ओके, ये टोटली आइस एंड कोल्ड है और इसमें टोटल 5 मून्स हैं। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है मून, वो हाइड्रा। ओके, अब बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स। व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स? सो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एस्ट्रॉइड इज ऑलमोस्ट लाइक प्लैनेट की तरह होते हैं ये, बट इनका साइज जो है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू प्लैनेट्स। ये जरूरी नहीं है स्पेरिकल शेप में हो, और ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एज प्लैनेट्स डू। मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। सो यहाँ पर समझ लीजिए मार्स है और यहाँ पर मान लीजिए जुपिटर है। इन दोनों के बीच में एक बेल्ट फाउंड होती है जिसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, और मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉयड जो होते हैं वो इसी बेल्ट में आपको मिलते हैं। द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड जो एस्टेरॉयड बेल्ट में है उसका नाम है सीरीज। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एस्टेरॉयड से रिलेटेड। अब बात करते हैं मेटेरॉइड्स से रिलेटेड कि मेटेरॉइड्स क्या होते हैं। सो मेटेरॉइड्स आर फॉर्म ड्यू टू द कोलेजन बिटवीन एस्ट्रॉइड्स। सो जो एस्ट्रॉइड बेल्ट्स हैं उसमें जो मूवमेंट होता है एस्ट्रॉइड्स का, कभी कभी होता है कि वो दोनों कोलेजन हो जाता है और उसकी वजह से मेटेरॉइड्स फॉर्म होते हैं। दे आर फ्रैगमेंटेड ऑफ द रॉक फ्लोटिंग अबाउट द स्पेस। सो जब दो एस्ट्रॉइड्स आपस में टकराते हैं सो वो अपनी डायरेक्शन इधर उधर चेंज करते हैं और फिर मेटेरॉइड्स बनते हैं। सो ऐसे एस्ट्रॉइड जो टूट करके वापस अर्थ की तरफ आते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं उनको हम बोलते हैं मीटियोर्स, और हम उनको शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं इन जनरल लैंग्वेज। बट ऐसे एस्ट्रॉइड्स जो कि अपनी डायरेक्शन डिफ्लेक्ट करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं मीटियोर्स। बट क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर काफ़ी डेंस होता है सो वो ऊपर की लेयर्स में बर्न कर जाते हैं। बट ऐसे भी कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाते हैं और वो अर्थ के सरफेस से आकर के टकराते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटेरॉइड्स। ओके, सो द मीटियोर्स दैट डू रीच द अर्थ सरफेस आर नोन एज मेटेरॉइड्स। सो मीटियोर्स और मेटेरॉइड्स में आपको फर्क पता होना चाहिए। सो मीटियोर्स वो हैं जो एस्ट्रॉइड्स अर्थ की तरफ आते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से वो ऊपर ही ख़त्म हो जाते हैं तो उनको हम मीटियोर्स बोलते हैं। बट अगर वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं और हमारे सरफेस पे आकर के टकराते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेटेरॉइड्स। अब बात करते हैं कॉमेट्स रिलेटेड। कॉमेट्स के बारे में भी आपने सुना होगा। सो ये टाइनी आइस क्रिस्टल रॉकी बॉडीज होते हैं जो कि हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रोटेट करते हैं। ओके, रेवोल्यूशन करते हैं। व्हेन दे पास टू द सन क्लोजली सो उनमें जो वाटर और गैस होती है वो हीट अप हो जाती है। मैंने आपको बताया कि इलिप्स जो होता है इसके दो सेंटर होते हैं। सो जब ये हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट में रेवोल्यूशन करते हैं सो यहाँ पर जब वो आते हैं तो एक पॉइंट होता है जब एक कॉमेट सन से बहुत ही कम दूरी पर होता है और एक पॉइंट होता है जब वो सन से बहुत ज़्यादा दूरी पर होता है। तो जब ये बहुत दूरी पे होता है तो इसमें वाटर और गैसेस जो होती हैं वो कंडेंस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होती हैं, आइस फॉर्म में होती हैं। बट जब ये सन के पास अप्रोच करता है सो इसका वाटर और गैस हीट अप हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। इसकी वजह से क्या होता है कि इसके पीछे जब ये मूव करता है इस तरफ तो बैक साइड में अपोजिट साइड ऑफ द सन यहाँ पर एक टेल बन जाती है, टेल बिहाइंड द रॉक कोर इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द सन। सो अगर ये इधर को मूव करेगा तो टेल बैक साइड इसकी बन जाएगी। मोस्ट फेमस कॉमेट जो हम जानते हैं हेलिस कॉमेट होता है जो कि रीअपियर करता है हर 75 से 76 ईयर्स में। लास्ट टाइम हेलिस कॉमेट को 1986 में देखा गया था और नेक्स्ट अपियरेंस इसका होगा 2061 में। सो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सोलर सिस्टम। मैंने पूरा का पूरा सोलर सिस्टम आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया और अब मुझे नहीं लगता कि अगर सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके स्कैट एग्जामिनेशन में आता है सो आप उसे मिस आउट करेंगे या उसका गलत जवाब देंगे। आप इस वीडियो को एक बार और देख करके चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवाइज करें और अपने नोट्स में ऐड करें।
और इसके बाद आप सोलर सिस्टम से रिलेटेड और कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस कंप्लीट वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कंप्लीट क्रैश सीरीज़, और इसमें हमने पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को इन डेप्थ में समझा, क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने इस पूरे वीडियो में कवर किया। आप इस वीडियो को एक से दो बार देखिए जल्दी से जल्दी, और अपने सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, और मुझे नहीं लगता इसके बाद अब सोलर सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत होगा। आई होप आप लोगों को ये सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही होगी। आप लोग अपने व्यू पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं इन कमेंट्स में, और आपको और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, एंड वी विल मेक अ वीडियो इन अ वेरी शॉर्ट एंड अ क्रिस्प वे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर सके इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और हमारा जो एम है अराउंड 190 मार्क्स का उसे हम अचीव कर पाए। तो मैं मिलता हूं बहुत ही जल्दी आप सभी से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक एफकैट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद टू एवरीवन।